LFMP मतलब कि लिथियम मैग्नीशियम फेरोफॉस्फेट। ओके, सबसे अपग्रेडेड वर्जन है ये बैटरी का। पैन इंडिया पे जाने के लिए पहली बात तो हम डीलर नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी मैं ईवी एक्सपो में हूँ, जहाँ पे बहुत ऐसे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल दिख रहा है जो काफ़ी इनोवेटिव लग रहा है। तो अभी पीछे हमारे देख रहे होंगे, ये रिलेक्टो का स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा ये बाइक शो किया है इसमें, जो कि बिल्कुल मुझे किसी को भी लगेगा कि एक स्प्लेंडर जैसा ये बाइक है। हमारे साथ है रिलेक्टो ईवी के CEO, स्वागत है सर, तन्मय जी। थैंक यू, मैं डेफिनेटली आपका ध्यान पूरा अपनी बाइक पे लेना चाहूँगा। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं तो डेफिनेटली आपको लगा होगा। नहीं नहीं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि ये जो रिवॉल्यूशन है आपका, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर मैं बाइक पे आ जाऊँगा। तो ये कब से आपने बनाना स्टार्ट किया? देखिए, कंपनी जो है ये एस्टेब्लिश 2018 में हुई है। ओके, पहले जैसे जो हम लोग करते थे, हर कोई जो करता था वो चाइना बेस्ड प्रोडक्ट लाता था। हाँ हाँ, ठीक है। बट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, गवर्नमेंट के अच्छी चीज़ों की वजह से कि आपको मेक इन इंडिया करना है, इसके वजह से हीरो का प्रोडक्ट पे सब्सिडी आना बंद हो गया, ओला हाँ, पे और ओकिनावा पे भी आया, पे, इन हाँ, सब के पे यही है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हमको ऐसा प्रोडक्ट लाना है हाँ, हाँ, जो मेक इन इंडिया हो और ईवी के सेक्टर में हम लोगों को प्रमोट करे। ग्रेट, हमारी कंपनी कहाँ बेस्ड है? मतलब ये रायपुर बेस्ड कंपनी है और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी रायपुर में ही है। ओके, ये प्रोडक्ट है, ये ARI अप्रूव्ड है। ओके, इसमें सारे प्रोडक्ट्स वही लगे हैं जो मेक इन इंडिया है। ओके, जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। अब हम प्रोडक्ट पे आते हैं, ठीक है, आपका ये बाइक है या इसके अलावा और भी प्रोडक्ट है? अभी हमारा जो फोकस है वो सिंगल बाइक बेस्ड है। हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे जो एक आम इंडियन के लिए हो, ले मैन के लिए हो, कॉमन मैन के लिए हो। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको कॉमन मैन बाइक लगेगा। नहीं, ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा बाइक चल रहा था जो स्प्लेंडर है, उसकी याद दिला रही है ये। उस आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, लोग बाग इससे कनेक्ट कर पाते हैं। ग्रेट ग्रेट, यस। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यार हम पेट्रोल से ईवी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो पेट्रोल से ईवी में शिफ्ट होने के लिए उनके पास आम ये होना चाहिए कि दिखने की तरह वो वैसी है। अब जो स्प्लेंडर दे रहा है या बाकी जो प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं, हम इसमें जो यूज़ करा है वो सारे A1 प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको उसका स्पेसिफिकेशन धीरे धीरे बताता चलता हूँ। ग्रेट ग्रेट, अगर आप देखेंगे तो इसमें आगे और पीछे TVS के ट्यूबलेस टायर्स हमने लगाए हुए हैं। ओके, आगे और पीछे अलॉय व्हील्स हमने लगाए हैं, डिस्क ब्रेक आगे और पीछे लगाए हुए हैं। ओके, शॉकर्स अगर आप देखेंगे तो हमने एंड्योरेंस कंपनी के शॉकर्स लगाए हुए हैं आगे और पीछे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी वेल रेनाउंड कंपनी है जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रोवाइड करती है। यस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी हमने वो पूरा ध्यान दिया है। उसके बाद आप देखेंगे ये जो बॉडी है, ये बॉडी जो है ये प्लास्टिक नहीं है, ये FRP बॉडी है। FRP मतलब कि फायर रेजिस्टेंट प्रूफ। ओके, सेम बॉडी आपको इंडियन रेलवे इसी कंपोनेंट से बनाती है। ये 200 डिग्री सेल्सियस इसका बर्निंग पॉइंट है, ये 200 डिग्री सेल्सियस तक इसको कुछ नहीं होगा, आप इसको आग लगेगी ही नहीं। ओके, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी हम लोगों ने वो ध्यान दिया है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर LFMP बैटरी लगा हुआ है आई पावर का। LFMP मतलब कि लिथियम मैग्नीशियम फेरोफॉस्फेट। ओके, सबसे अपग्रेडेड वर्जन है ये बैटरी का। ओके, मैग्नीशियम डाल के उन्होंने, लिथियम में मैग्नीशियम ऐड करके उन्होंने उसको स्मार्ट कर दिया, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो स्टोर रहे, प्लस आपकी बाइक को जितना रिक्वायरमेंट है एनर्जी का उतना ही रिक्वायरमेंट मिले, मतलब कि एक्स्ट्रा वेस्टेज ना हो। ठीक है, प्लस इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी मेजर्स गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है, ये फटती नहीं है। ओके, इसमें आग नहीं लगती है, ये अप्रूव आपके पास सर्टिफिकेट है, ये आई पावर के पास अप्रूव सर्टिफिकेट है LFMP का। गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव करके दिया है कि इसमें आग नहीं लगता है, और हम लोग आई पावर से ही ले रहे हैं। ये लेटेस्ट वर्जन है LFMP, लिथियम मैग्नीशियम फेरोफॉस्फेट का। प्लस अगर आप इसमें देखेंगे, हम लोगों ने इसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ करे हैं, बहुत कॉमन कंपोनेंट्स यूज़ करे हैं जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। ओके, लाइट्स वगैरह भी हम लोगों ने, आप ये देखेंगे फ्लेक्सिबल लाइट्स हैं, इसको कुछ होगा नहीं, ये इजीली आपके मार्केट में अवेलेबल है। प्लस इसका वाइज़र, मडगार्ड, ये इसको कोई भी मैकेनिक इजीली बना सकता है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये ईवी है तो मैं इसको कैसे बनाऊँगा। बिल्कुल, वो परेशानी आती है, वो परेशानी लोगों को ना है। प्लस ये जो टंकी है ये आपका स्टोर है। ओके,
अगर आप इसको खोलेंगे तो ये स्टोर रूम की तरह आपका काम करेगा। इसमें आपका बैटरी का चार्जर, इसमें आपका फ़ोन, इसमें आपका वॉलेट, इसमें आपका पानी का बॉटल, वो सब आ जाएगा। प्लस इसमें अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने थ्रॉटल, स्विच, ब्रेक्स, ये सब अच्छी कंपनी के यूज़ करें ताकि आपको लॉन्ग टर्म में सर्विस कम से कम लेना पड़े और ये लॉन्ग टर्म क्वालिटी वाइज चले। ये आम आदमी के लिए हम लोगों ने इसमें कैरियर वगैरह भी लगाया है ताकि वो अगर किसान है तो वो अपने सामान ढो के लेके जा सके, ठीक है, या फिर अगर कोई फूड कंपनी है तो वो उसको लेके जा सके। इसमें हम लोगों ने 3 तरह का बैटरी यूज़ करा है। 36Ah का एक बैटरी है जो 110 किलोमीटर का चार्ज करता है। आपका दूसरा बैटरी है वो 46Ah का है जो आपको 140 का किलोमीटर आपको दे देगा। थर्ड आपका 64Ah का है जो आपको 190 किलोमीटर रेंज दे देगा। तो 3 वेरिएंट में आपने मॉडल ये निकाला। 3 वेरिएंट, 5 कलर। अच्छा, 5 कलर और 3 वेरिएंट। एक कलर तो ये है, एक ब्लैक कलर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा, दोनों आपके पास यहाँ पे रखे हुए हैं। हमारा मेन फोकस ये था कि आप जितनी भी मार्केट में बाइक्स वगैरह देखेंगे, पहली बात तो ईवी की कोई मार्केट में बाइक नहीं है जो कॉमन मैन जिसे दिखती हो। आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट ज़्यादा दिखेंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने ऐसी बाइक लॉन्च करी है जो एक आम आदमी चला सके। आम अगर जॉब पे जाने वाला आदमी है तो वो चला सके, उसको ऐसा ना लगे कि यार मैं ईवी की बाइक चला रहा हूँ। कुछ लोगों का शौक होता है बाइक का, वो बाइक ही चलाते हैं, उनको स्कूटी नहीं चाहिए, चाहे वो ईवी की हो या दूसरी कंपनी की, वो चलाएंगे बाइक ही। तो उनके लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन हमने रखा। तो ये तीनों वेरिएंट का आपने क्या नाम दिया हुआ है? तीनों वेरिएंट का नाम रीजन ही है। अच्छा, रीजन ही है। हाँ, रीजन ही है। डिपेंडिंग अपन आप कौन सा बैटरी उसमें लगाते हैं, आपका कॉस्ट अलग अलग वेरिएंट वेरी करता है। तो सबसे लोएस्ट में बात करूँ तो उसकी क्या कॉस्ट आती है आपका? इसका सबसे लोएस्ट का कॉस्ट है 1,16,990। और इस पर सब्सिडी अवेलेबल है? स्टेट टू स्टेट इस पर सब्सिडी अवेलेबल है, ठीक है ना। आप जिस स्टेट के हैं, जो जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, 5,000 से 15,000 का सब्सिडी रेंज दिया है जो कस्टमर के खाते में जाता है। ना वो मैन्युफैक्चरर को मिलता है, ना ही वो डीलरशिप को मिलता है, वो सीधा कस्टमर को मिलता है। तो वो अवेलेबल है इस वो इसमें अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेट के हैं और आपकी स्टेट कौन सी अवेलेबल करती है। ठीक है, ग्रेट। तो अभी जैसे कि आप इस एक्सपो में आए हुए हैं तो ये तो प्रोडक्ट आप शोकेस कर ही रहे हैं, खास में आपका मोटो ये भी होगा कि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्सपेंड करें, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि हर जगह से आपको इंक्वायरी आ सकती है। ये इंक्वायरी हर जगह से है, तो पैन इंडिया पे जाने के लिए पहली बात तो हम डीलर नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि डीलर नेटवर्क नहीं है वहाँ पे, तो हम लोग इसका ऑनलाइन भी वो ले रहे हैं। आप इसको ऑनलाइन हमारी साइट पे बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन जाके हम आपको इसको पूरा डिलीवर आपके यहाँ पे करवा के देंगे। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप इस पर गौर करेंगे तो हम लोगों ने इसको डिज़ाइन वैसा करा है कि इसको बहुत कॉमनली यूज़ और कॉमन आदमी इसको हर तरीके से हर एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकें। इंडिया में अलग अलग सेगमेंट्स के लोग रहते हैं, लेकिन मेजर सेगमेंट जो है वो एक कॉमन बंदे का सेगमेंट है। यस, तो कॉमन बंदे के लिए कॉमन बाइक, मेक इन इंडिया। हम लोग मेक इन इंडिया से चांद पर पहुँच गए हैं, तो मेक इन इंडिया पूरे वर्ल्ड में धूम बना सकता है। इसका मोटो यही है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, अभी जैसे आप एक्सपो में हैं, अभी आप एक्सपो में हैं तो यहाँ पे आपके एक तो आप ऑनलाइन बुकिंग से दे रहे हैं, साथ ही कोई आपसे जुड़ के काम करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, तो उसके लिए आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्कशिप इसके लिए ओपन हो चुका है। अगर आपको लगता है तो आप 3 दिन में एक्सपो में हैं, आप यहाँ पे आ जाइए। और अगर आपको लगता है कि आप एक्सपो में नहीं आ सकते हैं तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है कॉन्टैक्ट, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट में कॉल कर सकते हैं। आप रायपुर छत्तीसगढ़ में हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप वहाँ आ सकते हैं, और ऐसा नहीं तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं। वी आर ओपन टू ओपन एट ऑल फोरम्स, सोशल मीडिया फोरम्स, हम हर जगह पर ओपन हैं, आप कहीं से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप ओपन है किसी के साथ भी और जुड़ने के लिए? हम हर किसी के साथ ओपन है। पैन इंडिया में हमको जाना है, मेक इन इंडिया सिर्फ पैन इंडिया तक ही नहीं, हमको मेक फॉर वर्ल्ड बनाना है। ग्रेट, तो कैसा लगा ये प्रोडक्ट आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इस कंपनी के साथ आप जुड़ के काम भी कर सकते हैं। आपको यदि जुड़ना है तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहां से जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस कंपनी से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।
जय हिंद।